Hello everyone, welcome to our YouTube channel Homoeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you. And today we are going to discuss Menyanthes Trifoliata with you all. So जैसा कि आपको पता है कि एलन्स कीनोट सीरीज चल रही है, तो आज की जो मेडिसिन है वो है मेनियंथिस, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है. जब हम देखें बुखार है किसी को, तो ये बुखार को भी कवर करती है, साथ में जो हार्ट में जो जकड़न है उसको भी कवर करती है, और जो ये हमारे अलग अलग बॉडी के हिस्सों में जो जकड़न होती है उसको ये मेडिसिन अच्छे से कवर करती है. सरदर्द जो है उस सरदर्द को भी ये दवाई कवर करती है. तो मेनियंथिस जो है वो एक रेयर मेडिसिन है, और ज़्यादातर ये जो है हेडेक के लिए और जो फीवर है इसमें यूज़ नहीं लेते, लोग भूल जाते हैं. तो इसी को याद दिलाने के लिए आज मैं ये वीडियो आप सबके सामने लेकर आई हूँ. होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, और एलन्स की नोट से जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं इस मेडिसिन के बारे में वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप सबको मिल सकें. चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेनियंथिस के बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले देखो, आपको हर मेडिसिन का जो कॉमन नेम है वो पता होना चाहिए. तो इसका कॉमन नेम जो है वो बगबीन है. नाउ इसमें जो मरीज़ को है वो हार्ट में एक एनजाइटी महसूस होती है, मतलब दिल बहुत धक धक करने लग जाता है. कुछ लोग होते हैं ना कि वो ऐसे कहते हैं कि हर बात जो है मैं तो दिल पर ले लेता हूँ, मेरा तो दिल धक धक करने लग जाता है जल्दी से. घबराहट जो है वो दिल में एकदम से अटैक करना, कई लोग होते हैं जिनको एकदम से जो है कोई भी न्यूज़ सुनी और उनको एकदम से इतनी घबराहट हो जाती है कि उनके पेट में भूख लगने लग जाती है. या फिर और कुछ लोग होते हैं जो सीधे कोई बात को दिल पे ले लेते हैं तो उनके दिल में धक धक ज़्यादा हो जाती है. तो ये जो है ये मेडिसिन ये चीज़ कवर करती है. कंप्लेंट्स फ्रॉम अब्यूज़ ऑफ सिंकोना एंड क्विनीन, जो सिंकोना और क्विनीन के बाद जो दिक्कत आती है वो ये मेडिसिन कवर कर रही है. टेंशन इन रूट ऑफ नोज, इन आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, इन स्किन, एज इफ सेवरल साइजेस टू स्मॉल एंड वॉज क्राउडेड इन टू बाय अ फोर्स. यानी कि हर जगह जो भी बॉडी पार्ट्स यहाँ पे इंडिकेटेड हैं वहाँ पे इसको जकड़न महसूस हो रही है. हेडेक, प्रेसिंग इन द वर्टेक्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, एम्लायरेटेड ड्यूरिंग हार्ड प्रेशर विद हैंड, एज ऑफ हैवी वेट प्रेसिंग अपॉन द हेड एट एवरी स्टेप, एग्रावेटेड असेंडिंग ऑफन विद आईसी कोल्डनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट. जो हेडेक है इसको कहाँ पे हो रहा है वो ज़रूरी है. जो वर्टेक्स में हेडेक हो रहा है और ऐसा लगता है कि कोई भारी चीज़ जो है वो सर के ऊपर रखी हुई है और वो उस पर सर पे दबाव बना रही है. और इसको आराम भी कैसे मिलेगा जब ये हाथ अपने सर के ऊपर रख लेगा और तेज़ी से उस सर को दबाएगा, उससे इसको आराम मिलेगा. और हर जो स्टेप है इसका उससे इसको दिक्कत हो रही है, और इसके हाथ पैर जो हैं इस समय ठंडे होंगे. फीवर की ये बहुत अच्छी दवाई है, जैसा हमने ऊपर आपको बताया है वीडियो में कि ये फीवर को बहुत अच्छे से कवर कर रही है. तो फीवर में तीन स्टेज होती है, चिल, हीट, स्वेट. एक बार ठंड लगेगी, एक बार गर्मी लगेगी, एक बार पसीना आएगा. तो हर दवाई में कुछ ना कुछ जो स्टेज है वो डोमिनेट करती है. तो इसमें जो है वो कोल्ड स्टेज डोमिनेट करती है, मरीज़ को ठंड ज़्यादा लगती है, और जो कोल्डनेस है उसको ज़्यादा एब्डोमेन और लेग्स में महसूस होती है. यानी कि उसको जो पेट है वहाँ पे और जो पैर हैं वहाँ पे ठंड ज़्यादा महसूस होगी. तो फीवर में इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी दवाई कौन सी स्टेज को ज़्यादा कवर कर रही है. तो कोई मरीज़ है जिसको ठंड ज़्यादा लगती है उसमें मेनियंथिस अच्छा काम करती है, विद द आईसी कोल्डनेस ऑफ द लेग्स. अब इसका एग्रावेशन है ड्यूरिंग रेस्ट, लाइंग डाउन, और आराम मिल रहा है इसको प्रेशर ऑन अफेक्टेड पार्ट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस मेडिसिन. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग होम्योपैथी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस मेडिसिन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.